प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम कुछ प्रणाम सर। प्रणाम
प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। नाइनटी वन में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आर्थिक संकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस आर्थिक संकट का कारण निम्नलिखित था। नंबर वन, देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता चरम स्थिति आ गई थी। लिख लिए? यस सर। नंबर टू, भारत का निर्यात उन्नीस सौ नब्बे इक्यानवे ईस्वी में निम्नतम स्तर पर आ गया। नंबर तीन, भारत का रिजर्व भारी कमी हो गई थी।
जनवरी 1991 में मात्र 1 डॉलर बिलियन 1 डॉलर बिलियन सर 1 डॉलर बिलियन डॉलर होगा कि 1 बिलियन डॉलर? 1 बिलियन डॉलर 1 बिलियन डॉलर $1 बिलियन रिजर्व था। भारत में $70 बिलियन विदेशी निवेशकों को भारत सरकार को देना था। अगर डॉलर का इंतजाम नहीं होगा तो भारत का साख अंतर राष्ट्रीय स्तर पर गिर जाए। $1 बिलियन स्टॉक में है और $70 बिलियन देना है, तो 70 बिलियन में 1 बिलियन माइनस कर दीजिएगा तो कितना माथा पर बच जाएगा? $69 बिलियन तब सरकार कही कि अब एक ही उपाय है, देश में जो सोना है उस सोना को गिरवी रख करके वहां से डॉलर कर्जा में लाए और विश्व बैंक से IMF से कर्जा मांगे, वहां से कुछ आ जाएगा। कुल मिला के ऋण को हम जनवरी में लौटा दें 91। लेकिन विश्व बैंक ने कहा कि हम आपको देंगे ऋण, लेकिन शर्त यही है कि अब आपको जो है भारत में आर्थिक सुधार लाना हो, भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना होगा, ये आप लिख के दीजिए तब हम आपको डॉलर में ऋण देंगे। देखिए मोदी को 10 को बात लोग बोलता है, मोदी गवर्नमेंट को
जो पढ़ा लिखा आदमी है और जो हिस्ट्री जानता है कि एक डॉलर भारत के स्टॉक में था, अभी भारत के स्टॉक में कितना डॉलर है? 460, 600 कुछ है सर, 600 पर चला मिलियन है ना सर? कितना है? 576 बिलियन डॉलर। ये जादुई बात लगता है या नहीं? यस सर, ठीक वैसा ही लगता है जैसे कि कोई सिनेमा में दिलीप कुमार नौकर था, अपराण जो है वो राजा महाराजा था, बहुत लात से मारता था दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार के गला में एक पहने हुआ था लॉकेट, वो लॉकेट वही पहनता है जो उस राज्य का राजा है, इसके गला में था बचपन से। उसको देखा तो कहा कि गला में तुमको कहां से आ गई, बोला ये तो बचपन से हम पहनते हमारी माँ दी हुई। अचानक ये हो गया राजा, वो हो गया इसका स्टॉक। वो शॉट बहुत ही अच्छा लगता है, इसको लात जूता मारता रहता था बड़ा। उस जमाने में जितना सिनेमा आता था तो प्राण जो है बेत से पीटता था दिलीप कुमार। अब बाद में फिर अंत में तो हीरो ही जीतता है। कहने का अर्थ है कि जिस देश का भंडार में एक बिलियन डॉलर मात्र छोड़ गया हुआ था पिछला सरकार, अब उसको बढ़ाते 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 600 के आसपास, 600 के आसपास जो है पहुंचा देता है। पेट्रोल का जब पेमेंट होता है ना, मोटा रकम पेमेंट होता है, 50 बिलियन डॉलर पेमेंट हुआ था पर घट गया। आप देखते रहिएगा कि घटता बढ़ता रहता है, तो पेमेंट करना पड़ता है, हर 15 दिन पर पेमेंट होता है, 15वां दिन जो है सो आपको घटा हुआ रहेगा। उसका निर्माण देखिएगा कि 675 या कितना एग्जैक्ट देखिए कितना है। तो इस स्थिति में 634 बिलियन डॉलर अभी कितना है 2022 है ना? यस सर, 634.965 बिलियन डॉलर अब भी हुआ ना। आज तारीख आज कितना है? 21 जनवरी का है सर, आज तारीख है 4 फरवरी। 21 जनवरी 2022 का ये 2022 कितना डॉलर स्टॉक में था? 634.965, 635 मतलब बिलियन डॉलर, 634.965 बिलियन डॉलर। ये डॉलर स्टॉक जो है बता रहा है, डॉलर स्टॉक 634.96 बिलियन डॉलर। यही हमारे पास था मात्र केवल 1 बिलियन डॉलर। क्यों? मोदी को बहुत पावरफुल माना जाता है, वर्ल्ड लेवल लीडर हो गए, 1 बिलियन डॉलर कब था? वो जनवरी 1991। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये संभव किसे हुआ? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसलिए
बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में हो या बीपीएससी जनरल हो, ये एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता ही है, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और दूसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म। भारत को विश्व बैंक ने 7 बिलियन $7 बिलियन ऋण दिया इसी शर्त पर कि भारत में तुरंत आर्थिक सुधार किया जाएगा। भारत में 1991 में नवीन आर्थिक सुधार लाया गया, जिसको LPG की नीति आ जाए। भारत सोना गिरवी रखकर विदेश के बैंक से डॉलर में ऋण लिए। सोना जो है भारत से भेजा गया, चंद्रशेखर उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, क्लाइमेक्स क्या हुआ कि सोना जब हवाई जहाज से भेजना था तो उसको गाड़ी में बंद करके वैन में ले जा रहा था, किसी को मालूम नहीं। अचानक वैन जो है एक जगह टर्निंग पॉइंट पर उलट गई, सोना भारी रहता है, उलट गई तो उसमें से एक वो बक्सा गिर भी गया नीचे, सोना सब छितरा गया। अब तक पुलिस आ गई, उसको जो है फिर से पैक करके चढ़ा के बाद में इस बात को बताया गया, उस समय तो गुप्त रखा गया था, बाद में पता चला कि गाड़ी जो है सोना भी जो है निकल के भारत के जमीन को चूम ली। हम जा रहे हैं विदेश, याद रखो हम लौट के फिर आए,
और सारा का सारा सोना जो है वापस फिर हमारी सरकार जो है पेमेंट करके लिए, डॉलर का पेमेंट करके वापस जो सोना गिरवी रखा हुआ था वो हमारे यहाँ वापस आ गया। बहुत का सरकार फेल हो जाता है, मिलिट्री रूल हो जाता है, पर ठीक नेता नहीं रहा था। लेकिन चंद्रशेखर जी बहुत ही कर्मठ थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया और बाद में पीवी नरसिंह राव फिर प्राइम मिनिस्टर बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन लोगों ने ऐसा नीति लाया जो कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा नीति नहीं थी और इससे बहुत ही नाम हो गया कांग्रेस का और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है लागू किया गया उसमें तीन महत्वपूर्ण काम किए गए। नवीन आर्थिक सुधार भारत में, ये जो है इसका तीन पहलू है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक
भूमंडलीकरण सर वैश्वीकरण घटा दो भूमंडलीकरण उदारीकरण निजीकरण भूमंडलीकरण और इसी को पूरे विश्व में पुकारा जाता है न्यू लिबरल पॉलिसी। न्यू लिबरल न्यू लिबरल पॉलिसी लिख लिए। यस सर। अब इसमें सबसे पहला जो है वो है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन उदारीकरण में पॉप को कहा जाता है स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और ख को कहा जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी। स्थिरीकरण के तरीकों को लागू करना संरचनात्मक सुधार संरचनात्मक सुधारवादी नीतियों को लागू करें। यही दो मुख्य बात है। कहा कि स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करोगे, कहा कि स्टेबलाइजेशन के लिए हमको तत्काल जो है फॉरेन करेंसी हमारे स्टॉक में बढ़ाना पड़े और इसके लिए हम अपने पास हमारे पास भंडार है सोना का, उस भंडार में से निकाल करके लंदन मनी मार्केट में जाकर उसको गिरवी रखें तो ब्याज देंगे, फिर हमारे पास उतना डॉलर हो जाएगा, डॉलर दे करके अपन गोल्ड वापस ले लें। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब हो गया कि हमारे देश में बहुत नियम बना दिए हुए, अंग्रेज के जमाने का ही नियम सब है और उसी को नियम को लागू करता है। उसको बोला जाता है कि कठोर नियम
इसको आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं, कठोर नियम किसे कहते हैं। कठोर नियम का मतलब हुआ कि आपको कोई भी फैक्ट्री खोलना है, पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। लाइसेंस में आपको ऐसा पेड़ देगा ना कि आपका 5 करोड़ रुपया वहीं खो सोख लेगा, और तब जाके कहीं मिले तो मिले। तो लाइसेंस लेने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा कि जहां फैक्ट्री बना रहे हैं वहां के धुआं से अगल बगल में प्रदूषण तो नहीं होगा। अब हम जानते ही हैं कि बिना प्रदूषण हुए तो कोई चीज बनी नहीं सकता। तो आपको परमिशन ही नहीं देगा फैक्ट्री खोलने। मथुरा में तेल का कारखाना है, मथुरा से आगे बढ़िएगा तो ताजमहल है आगरा। मथुरा में जो वहां से जो तेल का पेट्रोल का जो आकाश का कण उड़ता था वो जाकर के ताजमहल के चमक को घटा देता था, पीला हो जाता था, जो बराबर है उसके ऊपर में चढ़ के पॉलिश करता रहता। दो ही चीज है, या तो ताजमहल को उठा के दूसरी जगह ले जाओ, नहीं तो मथुरा का जो तेल का कारखाना है उसको बंद करो। राहुल जी तुम इसमें क्या करोगे? दो ऑप्शन है। तेल कारखाना को सर हटाएंगे, ताजमहल को भी आजकल सिस्टम हो गया कि पूरा का पूरा उठा के दूसरे जगह ले जा सकता है। आजकल पेड़ को काटता नहीं है, जड़ से पूरे पेड़ को उखाड़ लेता है पट्टी समेत। पटना में ऐसा काम हो रहा है, पटना में जो बन रहा है जमीन के भीतर वाला ट्रेन मेट्रो है, मेट्रो सर जगह जगह रोड पर लिखे हुआ कि मेट्रो के लिए खुदाई हो रही है। अब बिहार में ऐसा है कि रेल को अपना गांव के पास रोकता था, मेट्रो चाहेगा कि अपना मोहल्ला के पास रोके, तो उपाय सोचेगा कैसे रोक दें इसको। तो कहता है पहला तो है कि आप जो नियम है कड़ा नियम उसको दूर की। उसके बाद था इंस्पेक्टर राज कि हर समय 24 विभाग है, 24 विभाग से इंस्पेक्टर आके जांच करेगा। एक वो जांच करके गया, दूसरा अंत में तबाह हो के आप देखिएगा कानपुर में मकान के भीतर में चुनवा दिया रुपया, बाहर आता तो इंस्पेक्टर पकड़ता कि नहीं। आपने बेचारा जो है सिंपल है स्कूटर पर मामूली कार पर घूमता था। पीयूष जैन, कौन था नाम? पीयूष जैन। सोचिए पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत। तो इतना उसके पास पैसा था, उधर टीवी पर आते रहता था, तो हमको रेड सिनेमा है वो देखे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेमा था कि घर के मालिक जो है बंदूक लिए हुआ था, गलती से गोली छूट गई, छत पर लग गई, जहां लगा वहीं सोना का बरसा होने लगा। हीरो जो था वो गया और उसका बंदूक लेके चारों तरफ गोली मार दिया, सब जगह जो है सोना का ईटा गिर रहा है। जो आदमी था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, सांसद था,
अपना बेटा से पूछ रहा है कौन ऐसा किया, हम जो है वो खतरनाक हो जाता है जब उसकी सीमा बढ़ जाती है, डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी डिक्लेयर कर रहा है कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डिक्लेयर कर रहा है करोड़ में है संपत्ति, दिल्ली में बहुत सारा स्टूडेंट रहता है लेकिन इलेक्शन के समय में सब घर चला जाता है। तुझे कहे जा रहे हो तो सर वहाँ 1,000 रुपया पर डे कमा ले, अब वही कमा के लाएंगे तो फिर यहाँ रह करके खाएंगे पड़े, तो हर साले सारे इलेक्शन होता तो वही अच्छा था। मैंने कहा कि 5 साल में एक बार होता है तो उतना फायदा नहीं हम लोग को, अब सरकार कर दी है कि इलेक्शन जो है गांव में भी जो ग्रामीण वाला इलेक्शन पंचायत वाला इलेक्शन हो रहा है उसमें भी सुनते हैं करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, गांव में गाड़ी दौड़ रहा है स्कॉर्पियो दौड़ रहा है, और उसी सब का टोटल जो होगा वो एमएलए हो जाएगा, और वो एमएलए का टोटल एमपी हो जाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ। तो कहता है कि पहला तो काम कीजिए संरचनात्मक सुधार में कि लाइसेंस को रद्द कर दी, लाइसेंस की समाप्ति, अब कोई भी नया उद्योग को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, हर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आके खटखटाता है पैसा दीजिए घूस दीजिए, वो बंद हुआ कि नहीं हुआ, परमिट सिस्टम परमिट व्यवस्था की समाप्ति, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, परमिट व्यवस्था की समाप्ति, विदेशी विदेशी विनियोग करता वो विनियोग की स्वतंत्रता,
देश के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षा कहा गया कि तकनीकी का आयात किया जाए, विदेश से मंगाया तकनीकी का आयात तो गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में स्थिरीकरण में क्या हुआ, स्थिरीकरण में नंबर वन मुद्रा स्फीति दर को नियंत्रित किया जाए, दूसरा जो है भुगतान शेष प्रतिकूलता दूर किया जाए, और तीसरा विनिमय दर में स्थिरता लाइए। इसी को कहा गया उदारीकरण, सातवां है आईटी, आईटी क्षेत्र का विस्तार किया जाए, विस्तार कर निर्यात बढ़ाया जाए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में सात को पॉइंट है और स्थिरीकरण में तीन पॉइंट, इसी का नाम दिया गया उदारीकरण,
का नाम क्या दिया गया? उदारीकरण। उदारीकरण। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कहा गया कि दूसरा पॉइंट आएगा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ये उतर गया पेज सबको? यस सर। दो नंबर पर प्राइवेटाइजेशन लिखे हैं कि नहीं सर? है सर। क्या नाम लिखे उधर पेज में देखिए? निजीकरण। यस सर, प्राइवेटाइजेशन ही। प्राइवेटाइजेशन ठीक है, हिंदी क्या होगा? अंग्रेजी जो है सीखना बहुत जरूरी है, टर्म सब को अंग्रेजी में जानी। महिला का हस्बैंड था वो अंग्रेजी बोलता था, हस्बैंड थी हिंदी, वाइफ थी हिंदी मीडियम, वो बोला कि इंग्लिश सीख लो, ठीक है सीख ले। एक पार्टी में गई, पार्टी में इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया कि आपके कौन है इंट्रोड्यूस कीजिए, माइक लिए बोले कि ही इज माई हरासमेंट। हस्बैंड वर्ड जो भूल गई, हरासमेंट वर्ड उसको दिमाग में आ गया, दोनों एक से होता है। खूब ताली बजा, कहा वाह इतना अच्छा ही अंग्रेजी बोली है, सब पता चल गया कि कैसे हस्बैंड है। लोग समझा कि जानबूझ के बोल रही है, ही इज माई हरासमेंट। अंग्रेजी टर्म को जानना जरूरी है, लिखे या नहीं लिखे, लेकिन आपको उसका इंग्लिश आना चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई आदमी अपना कंपनी बेच रहा है, भारत सरकार अपना कंपनी बेच रही है, कंपनी कैसे बेचा जाता है? तो उस शेयर को बेच दिया जाता है, जिसके पास 51% शेयर चला जाएगा वही क्या हो जाएगा? कंपनी का ऑनर वही बताता है। इसके पास शेयर जो है 51% प्लस है वही हो जाएगा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब सरकार मान लीजिए रेलवे का मालिक है, तो रेलवे का 100% शेयर किसके पास? सरकार के पास। सरकार के पास सर 100% या मेजोरिटी? 100% वो तो पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर जो होगा उसका 100% सरकार के पास होगा, प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो 100% प्राइवेट के पास होगा। लेकिन प्राइवेट वाला अपना बेच नहीं रहा है, बेच रहा है कौन? सरकार। अडानी थोड़ी कह रहा है कि ले ला हमारे एयरपोर्ट तुम चलाओ, सरकार को नहीं ना कह रहा है। नेहरू जी पूछे कि हवाई जहाज किसका है, तो बोला टाटा का, कहा कि इसको नेशनलाइज करो, उसका नाम एयर इंडिया रख दिया, टाटा एयरलाइंस क्या नाम रख दिया? एयर इंडिया। एयर इंडिया। नेहरू जी बहुत स्वाभिमानी थे, सुबह में नाश्ता करते थे पाव रोटी स्लाइस टोस्ट, तो दिल्ली में पब्लिक सेक्टर में स्लाइस टोस्ट का इंडस्ट्री खोला गया, पब्लिक सेक्टर में पाव रोटी बनता था। का सपना था कि सुई से लेके जहाज तक सब हम बनावेंगे पब्लिक सेक्टर। देखिए उनका जो
मॉडल था उस मॉडल में पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखे हुए थे, इनको बुझाया नहीं कि इनको एगो इंदिरा हुई, इनके समय का जितना आदमी था सबको 10 को 11 वो बच्चा। नेहरू जी के जमाने में कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं था जिसको 10 को बच्चा नहीं, ये अलग बात है कि 10 को में 10 को जिंदा नहीं रहता, कॉलरा आता था मर जाता था, कॉलरा आने में मर गया, बाढ़ आ गया तो मर गया, अभी जैसे कोरोना आया है तो ठीक 100 साल पीछे आया था, कोरोना के तरह का था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, सब बीमार पड़ा, करोड़ों लोग मर गया। अब देखिएगा गूगल में निकाल के इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो 100 साल पीछे देखिएगा, यार देखिए तो लिखे हुआ है गंगा नदी में इतना लाश था कि लगता था कि किसी आदमी का पेट फुला हुआ है, इतना लाश फुला हुआ है। इस बार भी आप सुने होइएगा बोलता है कि बहुत लाश तैर रहा था गंगा में, लाश तैर रहा, गंगा तो बैठी हुई है, 100 साल पहले भी थी आज भी थी, लेकिन आदमी वैसा ही है, उस समय भी लाश पाट दिया उस गंगा में और आज भी लाश गंगा में पाट। कहता है कि निजीकरण करना, सरकारी उद्योग का शेयर को प्राइवेट में बेच देना। मेरा प्रश्न आपसे है, कोई सरकारी फैक्ट्री है उसका निजीकरण करना चाहती है सरकार, उसको शेयर को किससे बेचेंगे? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला किससे बेचे कि विदेश का रॉबर्ट, विदेश का विलियम उससे बेचे, किससे बेचे? इंडियन इंडस्ट्रियल सर, राहुल झा क्वेश्चन समझ गया है। श्वेता तुम क्वेश्चन समझी कि नहीं? यस सर, यस सर। सर इंडिया में ही शेयर को बेचना चाहिए ताकि इंडिया वाले लोगों को सर प्रॉफिट तो होगा सर, प्राइवेट सेक्टर में ही जाएगा लेकिन प्रॉफिट तो होगा, जॉब तो मिलेगा लोगों को, क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा सर, इंडस्ट्री प्राइवेट वाले उसको डेवलप करेंगे तो रोजगार तो मिलना ही है ना सर। ठीक है, आकाश आप बताइए तो। यस सर, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट अपने फैक्ट्री के शेयर को बेचना चाहती है, किससे बेचे? अरानी, अडवानी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला उससे बेचे या बिल गेट, विलियम जॉन्स ये सबसे बेचे, देसी की विदेशी किससे, किस व्यापारी है? सर किसी भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बेचे तो ज्यादा बेहतर है। इसको बेचे सर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी कि जो हमारे अपने हैं जैसे रिलायंस हो गया या फिर टाटा हो गया, इन लोगों को। जो राहुल बोला श्वेता बोली उसी का समर्थन आप कर रहे हैं? सर मैंने इनका सुना नहीं था। सुनाइए श्वेता जी क्या कर रही है, बोलिए तो, इसको बेचना चाहिए। मेरा भी यही आंसर था कि सर जो इंडिया वाले जो भी ये हैं बिजनेसमैन है उनको ही बेचना चाहिए ताकि उससे इंडिया के जो भी लोग हैं उनको नया नया रोजगार मिलेगा, कंपनी अगर स्टेबल होगी तो उससे हम ही लोगों को, भारतीय को ही फायदा होगा ना सर। राहुल तुम क्या बोले हो? सर वो बेचे भारतीय उद्योगपति को, क्योंकि वो पैसा बाहर लेके नहीं जाएगा जिससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उस पे भार नहीं पड़ेगा। अच्छा श्वेता वर्मा, श्वेता वर्मा कहाँ है? जी सर। किसे बेचना चाहती हो? भारतीय के बीच ही रहे तो अच्छा है सर। सर
वो सिनेमा देखे थे तो भाभी की बहन से शादी कर लिया, बहुत फिल्म चली थी, गाना भी उसका बहुत अच्छा था, हीरो था आपको लगता है सलमान खान था कि कौन था? तो हम आपके हैं बोल रहे हैं, हीरो कौन था उसमें? वही सलमान था, सलमान खान था, उसे पतला दुबला था, अभी तो पहलवान हो गया है। हाँ सर, 92-93 का मूवी। तो अभी के बहन से कर लिया तो सोल्यूशन हो गया, घरे में रह गया सब। दूसरा कोई आता तो आपस में झगड़ा भी करता। सर तो भाभी मर गई थी ना, तब ना शादी किया? भाभी मर गई। हाँ सर, वो हाँ भाभी कहते थे। तो इसका श्वेता, तुम जो आकाश या श्वेता सिंह बोली राहुल वाला, उसको समर्थन कर रही हो? जी सर। अच्छा, लास्ट एक वो बचा हुआ है श्वेता शरण। यस सर। किससे बेचा जाए, देश के बिजनेसमैन उद्यमी से बेचा जाए, रेलवे का शेयर, हवाई जहाज का शेयर, आखिर विदेशी पूंजीपति से बेचा जाए? नहीं सर, देसी पूंजीपति को ही बेचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब सारे लोग आपके एक ही ग्रुप में हैं। यस सर। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति को खून चढ़ाना है माली जी, उसके लेफ्ट हैंड से खून को निकाल के ऊपर टांगे और वहां से फिर राइट हैंड में घुसा दी, तो खून निकल के चला जाएगा कि नहीं? वहां हाथ में लेफ्ट से खून निकलेगा और ऊपर से फिर डब्बा से निकल करके घुस जाए, तो उसके बॉडी को जो हो रहा था कभी बढ़िया जाएगा कि दूर हो जाएगा? सर लेकिन यहाँ पे दूसरा रीजन है हम लोग का। उनकी कमी है उस व्यक्ति में, उसके एक हाथ में खून उससे निकाला जाए और उस पाइप को दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया जाए, तो इधर से खून निकल के उसमें चला जाएगा तो उसके शरीर का खून जो है बढ़ेगा कि ज्यों का त्यों रहेगा? सर वही रह जाएगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा, तो बॉडी में तो उतना ही ब्लड है ना। पूंजी जो है, पूंजी है, अगर आप बेचते हैं रेलवे, आप फ्रेश कोई आदमी नहीं लेकर के देश वाला ही लेता है तो पूंजी तो देश में ही है, रेलवे में नहीं है। मान लीजिए महिंद्रा का कार बनता है, जीप बनता है, महिंद्रा अगर खरीदेगा तो जो पूंजी वहां लगाता वो पूंजी बेच के यहाँ का शेयर खरीदेगा, तो पैसा तो देश का देश में रह गया ना सर। लेकिन यहाँ पे बेचने का रीजन एफिशिएंसी बढ़ाना है। विदेशी इन्वेस्टर को जो बेचेगा ये, तो फिर विदेशी आएगा अपने देश में इन्वेस्ट करेगा तो विदेशी करेंसी बढ़ेगी, फिर वो रोजगार बढ़ाएगा। जो हमारे देश से फ्रांस दीवाल के भीतर, फ्रांस सब जो इन्वेस्ट करता है अपने देश में, उसका मनी तो देश के भीतर में है कि नहीं है? है सर। जी, उसी मनी में से निकाल के ना वो देगा इसको, वो मनी उधर से कट करेगा, अगर नहीं कट करता तो उस मनी से वो खुद भी इन्वेस्ट कर सकता था, कोई चीज खोल सकता था, तो देश का ही पैसा है और निजी क्षेत्र से निकल करके सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में शेयर बिक रहा है तो उसका खरीद के अपने लिए। तो टू सेंस में देश में पूंजी बढ़ी कि पूंजी की मात्रा जो कि त्यों है? सेम रही सर। सेम सर। और सेम रही सर, देश में तो पूंजी की मात्रा सेम ही रहेगी सर। शेयर बेचा जाए तो खरीदार जो है खरीद लोकल मत रखिए, ऑल इंटरनेशनल मार्केट में डालिए। इंटरनेशनल मार्केट का अगर आदमी आएगा और आपके यहाँ फैक्ट्री खोलेगा तो फैक्ट्री लेके भाग जाएगा,
फैक्ट्री खोलेगा तो इन्वेस्ट करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, रोजगार देगा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर सोच है, प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब होता है कि शेयर को बेचना। अब शेयर हम अपने ही देश के भीतर के सभी के हाथ से बेचे, देश का जो पूंजी एक्स फैक्ट्री में लगाया हुआ था वहां से निकाल के आपको दे देगा, तो वहां तो शॉर्टेज हो जाएगा, यहाँ ही लगा देगा, तो कंट्री है जो होल गेनर नहीं होगा। जी, गेनर नहीं होगा। सर तो विदेशी को, विदेशी को सर हम कंट्री में नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नेट, जो किसी से निकाला हुआ नहीं, माने देश के भीतर का नहीं। इसलिए पर अब ये बात देश का लोग समझता नहीं है, कहता हमारा फैक्ट्री था, अब रेलवे है और उसका मालिक हो जाएगा आपको, दूसरे कंट्री का शेयर होल्डर हो जाएगा। सर ये बात पूर्ण प्राइवेटाइजेशन मतलब कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल प्राइवेटाइजेशन दोनों के लिए है या सिर्फ एक के लिए? प्राइवेटाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है कि मिनिमम 26%। यस सर। अच्छा। और मैक्सिमम जो है 100%, और दोनों के बीच में है एवर 51%। एबव 51% हो जाएगा तभी मालिक बदल जाएगा, 100% बेच दीजिएगा तभी मालिक बदल जाएगा, लेकिन अगर आप 49% बेचिएगा, आप 51% सरकार के पास रहेगा तो मालिक सरकारें रहेगी। जितना भी बैंक है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, जो भी है, सबका 35% से 40% शेयर बिक गया है, और सो खरीदने वाला भारत का ही आदमी है लेकिन प्राइवेट आदमी, पैसा देश का ही लगा है, इसे विदेशी खरीदा होगा तो खरीदा होगा, लेकिन मोस्टली जो है घर के भीतर का ही लोग खरीद लिए। वो जैसे 35-40% शेयर बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का हो या इंडियन बैंक का खरीद लिया प्राइवेट आदमी, तो अब देखिएगा चेक का पैसा दीजिए, फार्म लीजिए उसका पैसा दीजिए, एटीएम से पैसा निकालिए उस पर पैसा दीजिए, हर चीजें पैसा मांगता है। पहले जो ओरिजिनल सरकारी था, जाइए वहां रखा हुआ है कागज ले ली, उसका कोई पैसा नहीं, चेक लेना है जाइए दीजिए तो ले ली। अब क्या है कि चेक आपके नाम से एक पर जो है आपका नाम छपा रहे, बाप का नाम नहीं ना छपता, खाली आदमी का नाम छपता, के नाम से चेक होगा उसको देगा। तो निजीकरण जो है इसमें शेयर 26% स्लॉट या शेयर 49% सेकेंड स्लॉट या शेयर 51% थर्ड स्लॉट या शेयर 100% शेयर बेचना। सरकार 26% बेचेगी, कितना रखेगी? 74% शेयर सरकार स्वयं रखेगी। यहाँ भी है 49% बेचेगी और 51% सरकार स्वयं रखेगी।
अब 51% बेच देगी, 49% शेयर जो है सरकार के पास होगा। अब मालिक दूसरा हो जाए, मालिक ये हो जाए, 100% बेच देगी तो 0% सरकार के पास होगा। अब जितना सब रेलवे वाला याद किए हुआ है, 1 करोड़ आदमी उसमें फार्म भर दिया है, और रेलवे है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट, तो वो आदमी रखेगा कि कंप्यूटर लगा दे? कंप्यूटर लगा देगा, कंप्यूटर एगो लगा देगा तो 50 आदमी का काम कंप्यूटर अकेले कर। सर ये इस पर भी तो निर्धारित, सर ये इस पर भी तो निर्धारित करेगा कि कितना शेयर बेचा है। 26% बेचा है तो सर गवर्नमेंट जैसे करती है वैसे ही करेगी, अगर 51% बेचा है तो शायद वो अपने अकॉर्डिंग कर सके जब वो पूरा ओनर बन जाएगा कंप्लीट। सब सही है, लेकिन बेचने वाला खानदान पैदा हो गया तो आपका सब मकान प्लॉट फ्लैट सब मरते मरते बेच गए सर। लेकिन सरकार का उद्देश्य इफिशिएंसी बढ़ाना है ना सर, सरकार का उद्देश्य तो उसका इफिशिएंसी बढ़ाना है कि ज्यादा अच्छे से काम हो। सरकार का कहना है कि सरकार जो है देश को गवर्नेंस देने के लिए, यस सर, पावरोटी बनाने के लिए है, बस ट्रक चलाने के लिए, ये सब निजी उद्यमी देश का आदमी इसको करे, यस सर, भी एक प्रिंसिपल है। सरकार जो है डेवलप्ड कंट्री है वहां तो सब कुछ प्राइवेट ही है। अब देखिएगा, विदेश में गए हुए थे तो जितना भी कार का ड्राइवर है लेडी रहते, और कार में बस बस में चली तो बस में लेडी ड्राइवर है, अब बस जहां रुकती है तो उसमें एक आवाज होगा, अब बस का जो ये हाइट जो है थोड़ा सा दब जाएगा, जैसे उतरने का आदमी का उतरने का है वो इतना दब जाएगा कि आपको उतरने में बहुत सहूलियत हो। यहाँ कोई कोई ऐसा बस का ऊंचा चढ़ने वाला रहेगा, वो बस स्टैंड में तो भरे चढ़ जाइए, वहां तो इससे रहता है बना हुआ प्लेटफॉर्म, लेकिन गाँव के तरफ आइएगा तो आदमी पकड़ा के आपको चढ़ावेगा, इतना ऊंचा उसका, बहुत तरह का क्वालिटी में फर्क रहता है। तो इसमें जैसा उसका बिक्री हुआ, जैसा चांस हुआ, हमारे यहाँ न पक्ष में पूरा आदमी है न पूरा आदमी विपक्ष में, इसलिए लटका हुआ है। अब 400 ट्रेन बंदे, ट्रेन वंदे मातरम ट्रेन की क्या 400 चलेगा? भारत में बहुत आदमी सोचता है कि पुरनका रेलवे में है कि बिना टिकट चढ़ गए उतर, चढ़ गया उसका पूछा टिकट का लोकल है कुछ नहीं, हमको अपना अनुभव है कि एक आदमी को लेकर के बनारस गए हुए थे, टिकट था हमारे पास लेकिन वो रिजर्व का टिकट नहीं था, जनरल टिकट, बैठे हुए थे रिजर्व डिपार्टमेंट, एकदम पुलिस लेकर के घूम रहा था, किसी से नहीं पूछा, पूरा भरा हुआ था, आया मेरे ही पास टिकट तो अपना दिखाए, वो भरा हुआ कहा कि 1200 रुपया दी, बाकी सब चुपचाप देख रहा है, जो बिना टिकट है उससे पूछा नहीं, कहा कि बिना टिकट को तो पूछते ही नहीं, सही टिकट आपका है कि नहीं हम यही पूछे, आप टिकट लिए हैं लेकिन आपका सही टिकट नहीं है तो फाइन 1200 रुपया दी, ज्यादा बहस करेंगे कहीं 2400 नहीं कर दे, उतरिए हम नहीं नीचे चले, उसको दिए। तो कहने का अर्थ होता है
सरकार का मंशा क्या है। मंशा है कि वो चलाने में समर्थ नहीं। जो आदमी 1 करोड़ का फॉर्म को सॉर्टिंग करके परीक्षा लेने में समर्थ नहीं हो पाया, कौन सिस्टम लगाए हुए हो कि एक आदमी को 4 गो में पास कर दिए हो और बाकी को पास किए नहीं। प्रेफरेंस उसका रहना चाहिए, जिस प्रेफरेंस में हो उसका हो गया, बाकी सीट फ्री हो जाए। सब में जो है रामलाल सिंह जो है नाम है या मोहन कुमार नाम है, 4 गो में कम्पीट रेलवे में किया तो 4ों में उसका नाम। डिफेक्टिव सिस्टम हो गया, 4ों में तो रहेगा नहीं। उसी से बढ़वा लीजिए कि 4ों में आपका सबसे बेस्ट किस में आप जाना चाहते हैं। तो उस तरह से करने पर 1 करोड़ है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी को आप दे सकते हैं जगह। फिर एग्जामिनेशन में क्या हो जाएगा कि एक ही आदमी का 5 जगह नाम है मान लीजिए, तो वो तो एक ही जगह करेगा, मतलब फिर दोबारा एग्जाम होगा, फिर 4 साल और। ये सब अभी भीतरी जो है ना, ये गड़बड़ी है जिसको कि सही होना जरूरी। एक खास समय में हो जाए, खत्म हो जाए, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया। और तीसरा जो है उसको बोलता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि भारत का उद्यमी विदेश में विनियोग करेगा। अब विदेश का उद्यमी भारत में विनियोग करेगा। टाटा है तो विदेश में जा जाकर सब चीज खोल रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तकनीकी का हस्तांतरण हो, भारतीय विदेश में संपत्ति खरीद सकता है, सब पूंजीपति जो है उसका विदेश में फ्लैट, लंदन में उतरे या इटली में उतरे या फ्रांस में उतरे, अपने घर में जाके रहता है। और इंटरनेशनल व्यापार है तो घूमता रहता है। इंडिया में रहेगा, विदेश रहेगा, ऑलवेज टूर पर रहेगा, इंटरनेशनल रहेगा। और वैसा सूझबूझ होना चाहिए। और बिहार का ही एक आदमी से भेंट हुई तो बैगन, आलू, टमाटर, घिवड़ा ये सब को एक्सपोर्ट करता है। इतना सिस्टमेटिक ढंग से पैकिंग कि महीना भर में खराब नहीं होने वाला है, और यहाँ से बेस्ट बैगन को चुन लिया, बेस्ट टमाटर को चुन लिया है, यहाँ सस्ता में उसको मिल गया, और सबका पैकिंग मशीन विदेशी रखे हुआ है, बढ़िया से पैक करके भेज दिए। अब आप अमेरिका में जाइएगा तो लिखे रहेगा इंडियन टमाटर, यही राम सिंह भेजे हुए इंडियन टोमेटो लिख देगा जैविक, और रेट जो है हाई रहेगा। यहाँ जो ओरिजिनल है वो अपना लेकर के पेटिया में बेच रहा है, न बिकता है तो अपने सब्जी बना के खा भी। बहुत का फर्क हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। सरकार तो करने को ट्रेन बना दी, किसान रेल बनाई है कि नहीं,
किसान रेल है, पेट्रोल रेल है, ऑक्सीजन रेल है, दूध रेल है, कृषि रोड मैप तैयार किया गया है, बजट स्टील का दूध का कंटेनर आता है, पूरा भरा हुआ कंटेनर चलता है, आपको पहुंचाता है। कंटेनर में दूध बांटते हुए हम पटना में भी देखे हुए हैं, तिल संक्रांति के समय स्टील का कंटेनर वाला ट्रक टाइप का था और उसको लगाया हुआ था तो दूध निकल रहा है, लोग खरीद रहा है। त्योहार में से बिहार में अचानक से उत्पादन बढ़ जाता है दूध का? नहीं नहीं, रीएलोकेशन हो जाता है। त्योहार के समय में वो टारगेट बनाए रखता है, इस समय में हमको अच्छा ये जो दूध रहता है प्लास्टिक वाला जो दूध हम लोग लेते हैं तो उसमें लेस देन 1% ही उसके भीतर दूध का चीज आता, बाकी पानी है, 99% पानी। ऐसे भी प्लास्टिक के कारण वो सब पॉल्यूटेड है, नहीं उसको ठीक से रखेगा तो पॉल्यूशन नहीं है, उस तरह का प्लास्टिक रखता है जो पॉल्यूटेड नहीं। कहने का कि दूध बनाने के लिए 99% तो पानी ही चाहिए ना, मेन है उसको कि ठंडा करना, गर्म करना, खूब गर्म कर दिया, खूब ठंडा कर दिया, पैस्टराइजेशन जिसको करते हैं, तो दूध जो है ठीक रहता है अपना, लोग खा पी गया, इससे कितना फायदा हो रहा है। आप कहिएगा कि ओरिजिनल गाय का दूध जो है, एक आदमी जो है ओरिजिनल गाय का दूध चुरा के पीता था, उसके पैर में एक तरह का बीमारी हड्डी में हो गया था, तो दिखाने गया तो बोला कि आप कहाँ क्या क्या खाते हैं पते नहीं चले क्या कर, बोला कि नहीं हम तो एकदम शुद्ध दूध लेते हैं, तो बोले कैसे जानते शुद्ध है, क्या कि नहीं बगल में ही हमारा अपना खटाल है। बाद में पता चला कि जो ये भैंस है या गाय है जो भी है वो चढ़ने के लिए जाती थी जहां पर, उस जगह पर बहुत ऐसा ऐसा पौधा सब था जिसको खाती थी। किसी जमाने में वहां पर ये कब्रगाह था, अब नहीं है, अब पेड़ पौधा लगा हुआ, तो कब्रगाह था उसी में जो पत्ता खाती थी वो किसी नीचे से आता था, उसमें इस तरह का जर्म आ गया और उससे उसको हड्डी में बीमारी हो गया, तरह तरह का त्योरी बती। कहने का अर्थ होता है कि अगर आपको ग्लोबलाइजेशन करना है तो विदेश से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को आने दीजिए, विदेश से पूंजी आने दीजिए, विदेशी अगर जमीन यहाँ खरीदे तो खरीदने दीजिए, और फिर यहाँ वाला विदेश में जाके इन्वेस्ट करे, जमीन खरीदना चाहे तो खरीदे, शेयर खरीदे बेचे, तो इस तरह से करने पर ग्लोबलाइजेशन का सही अर्थ है। अब 18 के 20 को हॉर्स पर चढ़ के ब्रिटिशर सब ब्रिटिश आया, हम लोग को गुलाम बना दिया 200 साल, ये हम लोग पढ़ते हैं, तो वो अब नहीं है। अब कह रहा है कि एकदम प्योरली इकोनॉमिक आधार पर होगा, पैसा चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं वो एकदम खिलाफ है कि विदेशी को आने नहीं देंगे, तो इसलिए हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन जो है सही माने में हो नहीं पाता, प्राइवेटाइजेशन भी होने में बहुत दिक्कत है, बहुत कुछ धीरे धीरे कर रहा है। अभी भी देखिएगा बहुत देखते हैं भाषण तो बोलते रहता है कि रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे, क्योंकि उतना वो रटे हुआ है जनरल नॉलेज या मैथमेटिक्स सब किए हुआ है, तो बहुत बड़ा मार्केट है ना। रेलवे का जो तैयारी करता है वो दिल्ली में देखे कि हर 2 मकान के बाद एक वो बोर्ड लगा मुखर्जी नगर, कुछ नीतू सिंह या कौन सिंह नाम से करके वो ये उसके डायरेक्टर थी, तो हम जो पूरा कार से सब में देखते थे कि उसी का नाम लिखा हुआ है। केडी कैंपस है। हाँ केडी कैंपस,
उसी का लाइब्रेरी है, उसी का हॉस्टल है, उसी का 2000 के बैठने का हॉस्टल। जी सर, झारखंड के ही है। झारखंड की है जी सर, ससुराल दरभंगा है सर उनका, लेकिन हस्बैंड सब कहानी वहाँ पूरा वीडियो में वायरल किया हुआ था। वो पैरामाउंट करके एक है, वो उसका दूल्हा जो है वो खोल दिया है, अलग 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 हो गए। हमारा कहने का अर्थ है कि बिहार का मैक्सिमम युवा जो है रेलवे की तैयारी करता है और उसका जनरल नॉलेज इतना तगड़ा रहता है कि फेंक के दे देता है बीपीएससी में, तो पीटी निकाल लेता है, फिर कभी भी मेंस नहीं निकाला। उसका लेवल ही नहीं है कि वो पांच पन्ना का चीज को याद कर सके, छटपट छटपट करने लगता है। तो हमको भी अनुभव से पता चल गया कि कौन पत्ता चबाना चाहिए, कौन पत्ता नहीं चबाना चाहिए। हम पूछे कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, तो सर हम बार बार जो है रेलवे में कौन ग्रुप, उतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो यही जानते हैं कि ग्रुप सब बहुत सारा है, सब में निकाल लेते हैं पीटी। बीपीएससी में सर ऐसे ही फेंक के दिए, यही लाइन था, फेंक के दिए हो गया, जब देते हैं तो हो जाता है, लेकिन मेन सबसे नहीं होता। हमको आप क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा तो तबियत खराब रहता है, जवान थे उस समय आते तो तुम रगड़ के ठीक कर, लेकिन अब जो है तुम्हारा केस हम नहीं देख सकते, कभी पढ़ाई नहीं। कितना आके बोलता है कि सर एमए बीए सब कर गए हैं, तो कभी हम एक टेक्स्ट बुक नहीं खरीदे, तो पास कैसे किए? नहीं सर, वो एटम बम खरीद लेते थे परीक्षा के समय, अपने खोल के बोलता है, रिजल्ट फर्स्ट क्लास। अभी सब ऐसा चीज बतला रहा है कि वास्तविकता से दूर है। लेकिन एक बात हम समझ गए कि पीटी वाला एग्जामिनेशन जहां है, इंटरव्यू नहीं है, उसमें अधिकांश लड़के अपने पूरा जी जान लगा के लगे, और उसमें रेलवे है। लाखों स्टूडेंट जो है दिल्ली में रह रहा है इसी के, ऐसा पेच हो गया है कि हमको लग रहा है कि 2 साल से इसका परीक्षा में गड़बड़ी हो गई, हो ही नहीं रहा है, हो रहा है तो रिजल्ट भी है। सर रेलवे में प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो फोर्थ ग्रेड में जा रहे हैं ना, वो बीटेक और मतलब बड़ी बड़ी डिग्री लेके जा रहे हैं, और वहाँ काम होता है गिट्टी का, वो कर नहीं पाते हैं। वो कहता है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं होते हैं सर। हमारा भाई रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है, तो काम करवाना होता है, बोलता बड़ा टफ है काम करवाना, अभी काम करना नहीं चाहता है। नहीं सर, पसीना छूट रहा है, बोलता सर कहाँ बीटेक किए हुए हैं, तो बीटेक किए हुए तो आए क्यों हो भाई फिर। उसको करना क्या है? वो सर गिट्टी को उल्टा करना होता है ना सर, रेलवे लाइन को पूरा उठा कर वो गिट्टी ऊपर नीचे करना होता है, बैलेंस बैठाना होता है, रेलवे लाइन को उठा करके। जी सर, उठता है, एक मशीन रहता है, उससे पूरा उठ जाता है और फिर पूरा गिट्टी को बराबर कर दिया जाता है, नहीं तो चूहा लगा हुआ रहता है ना सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं समझ में आता था कि गिट्टी क्या उठाता है। सर 4 बजे वाला क्लास होगा अभी? 4:36 तो अभी हो ही गया, तो नहीं होगा क्लास होगा, मतलब नहीं ना होगा। अब अभी कौन क्लास हुआ है? ये तो सर 3 बजे वाला था ना, कोई 3 बजे वाला चल रहा है। यस सर, 4:36 है सर, आज नहीं होगा ना। 4:36 है तभी है टाइम का। नहीं सर, आप जैसा बोलिए। आधा घंटा है सर, आधा घंटा है, आधा घंटा हो जाएगा। कॉब डगलस पढ़ा रहे हैं तो उसका सर सर नया टॉपिक पढ़ाना है क्या? यदि नया पढ़ाना है तो फिर नेक्स्ट से पढ़ाइए। चलो ना, कुछ कॉब डगलस चल रहा था तुम लोग का ना? यस यस, हाँ वो खत्मे पर लाए हुए, अब सब तुम लोगों को आ गया है ना? हाँ सर, वो इक्वेशन सब हो गया। चलो
हम लोग को पढ़ाने वाला पढ़ा के चला गया, बुझा भी नहीं कि जॉब अगला सर क्या प्रॉपर्टी। तो पढ़ाने का इस तरह से उपाय बताए हुए हैं, वो चीज आपका हो जाए। आ गया अभी प्रोजेक्ट मैनेजर में आएगा ही डॉक्टर ऑफ डोगला सर। कल क्या सर, कल क्या बताया गया था एंटीलॉग के, कल क्या हुआ था एंटीलॉग के बाद क्या हुआ था कॉफ डगलस में? एंटीलॉग निकाल लिए तो लीनियर होगी जी सर। उस कल क्या बताया गया था कॉफ डगलस का, कल हम नहीं कर घुस जाएगा एक दूसरे में ना, कल हम नहीं कर पाए थे।